हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वीडियो। तो हम लोग के यहाँ शादी है ससुराल में, तो उसको अटेंड करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो मैं अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जा रही हूँ और क्या क्या मैं पैकिंग कर रही हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। पीहू, तो जो पीहू है वो भी मेरी हेल्प करेंगी पैकिंग करने में। पीहू, You are excited? Yes, I'm also new game. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग। तो देख सकते हैं कि इस तरह का जो बड़ा सा लगेज है उसको मैंने ले लिया। इसके अंदर जो मेरी सारी चीजें हैं उसको मैं इसके अंदर रखूंगी। तो ये देख सकते हैं कि एक बैंगल बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास ये है। तो पहले आप इन्हीं का देख लीजिए कि इनके पास क्या क्या है। तो ये अपना सामान जो है वो पैक करके ले जा रही है, अपना मेकअप के लिए ज्वेलरी और ये सब चीजें। तो अपना पहले वही दिखा दें। ये इसका नेम भी तो होता है, ये दिखा लिए। इसका नेम क्या है? क्लिप, क्लैच है। हो गया, आपका फिनिश हो गया? नहीं हुआ, बहुत सारे बस ये फिनिश हो गया। ये रिंग, ये सब, हाँ, ये सब फिनिश, ये सब, ये बहुत ही है। आप मम्मा का कर रही है, देखो मम्मा का। तो पीहू ने कह दिया कि अब मेरा टर्न है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या चीजें ले जाए। तो ये देख सकते हैं किस तरह से मेरे पास बैंगल बॉक्स है। इसमें जो बैंगल्स हैं बहुत सेफ रहते हैं, और जो कांच के बैंगल इसी के अंदर मैंने रखे हैं जिससे कि वो काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से देख सकते हैं कि बैंगल है, जिस तरह की मेरे पास साड़ियाँ उस के मैचिंग मैंने यहाँ पे सभी बैंगल्स रख दिया है। और इस बॉक्स में रखने से जो बैंगल्स हैं काफ़ी सेफ रहती है और ब्रोकन होने का डर नहीं रहता। तो फर्स्ट वन में ये ले जा रही हूँ। फिर उसके बाद है इसमें जो हमारे कड़े होते हैं वो सब रखे हैं मैंने यहाँ पे। अलग अलग तरह के कड़े आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इसके साथ जो बैंगल्स हैं उनके साथ मिक्स मैच करने के लिए मैंने इन कड़ों को रखा है। और जो है एक मैं चूड़ा ले जाएंगे। जो चूड़ा होता है वो सभी के साथ मिक्स मैच हो जाता है, किसी भी साड़ी के साथ आप पहन सकते हो, सभी के साथ ही अच्छा लगता है, चाहे किसी भी कलर की साड़ी हो सबके साथ ही अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह का एक चूड़ा लिया है उसको ले जाए। तो मेरे जो बैंगल्स हैं इतने ही बैंगल्स ले जा रहे हैं, इतने बैंगल्स जो है काफी हैं और इनको मिक्स मैच करके पहनने के लिए। तो इस तरह से मैं इनको रख देती हूँ। और इसके बाद देख सकते हैं किस तरह का मेरे पास किट है, और इसके अंदर मैंने रखा है अपने सारे मेकअप्स। तो आप देख सकते हैं कि जो मेकअप्स के नीड होते हैं वो सभी मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट सभी को पता है, जैसे फाउंडेशन, प्राइमर, कंसीलर और आई शेडो, आई लैसेस, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर मैंने इसमें रखा। तो इसको मैं इस तरह से रख देती हूँ। और इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि जो मेरी सारी ज्वेलरीज हैं उनको मैंने रख रखी हैं। तो इस तरह के बॉक्स में रखे हैं जो काफ़ी सेफ है। तो यहाँ मैंने थ्रेड रखा जो मांग टीका में यूज़ करने के लिए करूँगी। और ये सब देख सकते हैं कि मेरी ज्वेलरी और जो मेरे साड़ियाँ हैं उनके मैचिंग की और लहंगे की मैचिंग की सारी ज्वेलरी हैं। इस तरह से बॉक्स में रखने पे काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती हैं और अच्छे से हम इसे कैरी। तो व्यू का भी हम पैक कर देते हैं इसमें। और ये है, आप देख सकते हैं कि मेरी जो हेयर एक्सेसरीज की चीज़ें हैं उसको मैंने इस पाउच में रखा है, जिससे कि आसानी हो मुझे लेने में कि कहाँ पे क्या है। और ये है मेरा लहंगा, तो इसको मैं पहनूंगी। कैसी रखूंगी? वेट करो ना। तो आप देख सकते हैं कि मेरी येलो साड़ी है। पीहू नहीं करो बेटा, अब हटो साइड हो। किन्ना बारी हूँ रख रही हूँ यार।
नहीं लगा लो, क्यों लगा लो, इसमें मैंने अपनी कुछ साड़ियाँ रखी हैं रेड कलर की और ब्लू कलर की, उसको भी इस्तेमाल कर लेता थोड़ा सा, उसको बॉडी शेप में रखा जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लिप होती है तो उसको थोड़ा सा मूव ना हो जाएगा। वो नहीं जाएगा मेरे, छोड़ छोड़ दो। लाओ मम्मा दिखाई आगे फ्रॉक, ओहो हो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देख सकती है जो साले से ऐसे बन पाती है, कॉटन से बन पाती है, कॉटन से बन पाती है मैं सिर्फ सारा कुछ यही बता रही हूँ, कॉटन से बन पाती है मैं सिर्फ, ये फ्लावर बन देख सकते हैं ये कितनी अच्छी है, और उसको इसमें रख देते हैं, बिनु सब अपना भी दिखाने में लगी हैं। करवा लीजिए इसे बहुत दोस्तों ये पता है कि मैं बोलती हूँ ना दोस्तों फ्रेंड तो इनको तो ये भी अपना दोस्तों, वाओ सो नाइस लुक, दोस्तों देख सकते हो, हाँ दोस्तों देख सकते हैं, तो मैं हेयर तो आप देख सकते हैं कि हेयर एक्सेसरीज में मैं दो ये जूड़ा और बन बनाने के लिए ले जा रही हूँ, इस ये आर्टिफिशियल जो है लगाने पे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हम हमेशा ये नहीं सोचता कि आपको रियल वाले अवेलेबल हों, तो आर्टिफिशियल आपके पास रहेगा तो आप जब मन चाहे तब लगा सकते हैं, तो इस तरह से जो मेरे सामान है वो सब पैक हो गए, हम इसको कर लेते हैं क्लोज। प्यू तो अपना प्यू ने अपनी ड्रेस दिखा दी लेकिन वो पैक करने के लिए नहीं देंगी, उनका मैं बाद में पैक करूँगी, और मैं ले जा रही हूँ ले सकती हैं पोटली वेयर क्योंकि रेड मेरे पास कॉम्बिनेशन में ज़्यादा है तो उसके साथ एक गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं इस वाले पोटली बैग को ले जा रही हूँ, और क्योंकि ड्रेस तो बाद में पैक होगी हम अपना पैक कर लेते हैं। पीयू ये क्या कर रही हो, अब तुम ऐसे ही रखो, इतना ले जाना है बेटा, करने के लिए रेडी हैं, तो जो शादी के वीडियोस हैं ब्लॉग्स वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, हाँ तो वो ब्लॉग्स जो होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो आप जरूर वॉच करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में, हाँ तो अभी आप दे ही नहीं रहे इसलिए कहाँ से पसंद आया हो, यूजफुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।